नाउ नेक्स्ट इज लिम्फैटिक सिस्टम. ब्लड ट्रांसपोर्टेशन तो हमने पढ़ लिया, लिम्फैटिक सिस्टम. व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम? सो लिम्फैटिक सिस्टम इज व्हाट? देयर इज वन मोर सिस्टम विच सर्कुलेट्स द थिंग्स इन द बॉडी फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी टू द हार्ट. अब ब्लड सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा था? टू वे सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, पूरे बॉडी से हार्ट में और हार्ट से पूरे बॉडी में, प्लस वन लंग्स का भी था कनेक्शन. ओके, बट यहाँ पे ओनली वन वे सर्कुलेशन इज देयर फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी. द लिम्फ इज कैरीड टूवर्ड्स द हार्ट एंड देयर इट एंड्स. बैक फ्लो कुछ नहीं है, वापस नहीं जाना है यहाँ पे. सो लिम्फैटिक सिस्टम में फोर पार्ट्स हम बोल सकते हैं या इसके ऑर्गन्स. सो फर्स्ट वन इज लिम्फ, सेकेंड इज लिम्फ कैपिलरीज, सेकेंड इज लिम्फ कैपिलरीज, थर्ड इज लिम्फ वेसल्स एंड आफ्टर दैट लिम्फ नोड्स. अब लिम्फ क्या है? लिम्फ इज लाइट येलो कलर्ड फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज ऑल्सो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज ऑल्सो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पे लिम्फ है, ब्लड की जगह क्या है? यहाँ पे लिम्फ है. दिस इज क्वाइट सिमिलर टू ब्लड. नाउ इस लिम्फ में फर्दर टू पार्ट्स होंगे, प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स. ब्लड में क्या पार्ट्स थे? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. तो जैसे ब्लड का प्लाज्मा, जस्ट लाइक यहाँ पे प्लाज्मा है लिम्फ का, जो कि फ्लूड पार्ट हुआ. देन लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स इज अ काइंड ऑफ सेल यू कैन से, एंड दैट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाइट ब्लड सेल्स. जो व्हाइट ब्लड का सेल्स का काम है, लगभग वही काम लिम्फोसाइट्स का भी है. नाउ लिम्फ कैपिलरीज. अब ये जो लिम्फ है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्फ होता क्या है? पूरे बॉडी से जो चीजें ब्लड के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जा पाती, दैट कम्स अंडर द लिम्फैटिक सिस्टम. सो जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल है, जो सेल्स के बाहर है या सेल्स के अंदर भी, जो ब्लड सिस्टम में नहीं जा सकता, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट कम्स इन द लिम्फैटिक सिस्टम. तो क्या ऐसी चीजें हैं? बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो मेनी अदर वेस्ट मटेरियल्स विच आर नॉट एबल टू गो, बिकॉज जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ बिग मॉलिक्यूल्स ज्यादा एंटर नहीं कर पाते. अब वो चीजें एंटर हो जाती हैं अलॉन्ग विद द लिक्विड कंटेंट ऑफ ब्लड इन द लिम्फैटिक सिस्टम. तो वही हो गया हमारा लिम्फ. मतलब कि इनफैक्ट ये भी एक तरह का ब्लड ही है, बट कौन सा ब्लड है? जो ब्लड एंटर नहीं कर पाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, एंड दैट एंटर्स इन द लिम्फैटिक सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड लिम्फ. ओके, सो लिम्फ में प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट. प्लाज्मा के अंदर क्या? लिक्विड पार्ट, सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वट एवर अभी हमने जो डिस्कस किया, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हो गए, फैट के, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस प्लाज्मा में मिक्स होगा, बाकी चीजें सारी मिक्स होंगी. एंड लिम्फोसाइट्स इज द सेल. देन ये सारा जो लिम्फ है वो एंटर कहाँ पे करेगा? दैट विल एंटर द लिम्फ कैपिलरीज, द थिन लिम्फ, थिन वॉल्ड कैपिलरीज. जैसे ब्लड के में होते हैं सिंपल कैपिलरीज, थिनेस्ट ब्लड वेसल, तो यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज में ये सारी चीजें एंटर होंगी. देन फर्दर उससे थिक वाला आएगा ट्यूब वेसल, दैट इज कॉल्ड लिम्फ वेसल. सारी चीजें फिर लिम्फ कैपिलरीज से कनेक्ट हो जाएंगी, लिम्फ वेसल के अंदर चला जाएगा. देन लिम्फ वेसल से फर्दर इट विल लिम्फ वेसल के अंदर जाएगा. देन लिम्फ वेसल जैसे ही हार्ट के नियर बाय आएगा, देन जो भी वेन्स के सिस्टम है उसमें सारी चीजें एंटर हो जाएंगी. एंड वेन विल सप्लाई दैट टू द हार्ट, ऑफकोर्स फॉर प्योरिफिकेशन. जो भी वेस्ट चीजें हैं, यूजफुल चीजें हैं, सारी की सारी एट द एंड वेन वाले सिस्टम में आ जाएगा थ्रू द लिम्फ वेसल्स. तो कौन सी चीजें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जा पाती? सो अनयूज्ड ब्लड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता है, दैट एंटर्स द लिम्फैटिक सिस्टम. अब यहाँ पे आ गया. अब इस लिम्फैटिक सिस्टम में कैपिलरीज, वेसल्स, ये जो है लिम्फ है, पूरे बॉडी में है, ऑल ओवर द बॉडी, वन वे सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें होगा वॉल्व. जो लिम्फ वेसल्स हैं इनमें होंगे वॉल्व्स, जस्ट लाइक वेन्स. वॉल्व है जो बैक फ्लो नहीं होने देता. इम्प्योरिटीज को लिया, वेन्स के सिस्टम में हार्ट के नियर बाय डाला, नो बैक फ्लो, वन वे सर्कुलेशन ओनली. फिर
फर्दर क्या है कि इस पूरे लिम्फैटिक सिस्टम में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स जहां से कि लिम्फोसाइट्स जहां पे प्रोड्यूस होगा इनफैक्ट. सो लिम्फोसाइट्स अक्यूमुलेट नियर बाय द लिम्फ नोड्स. लिम्फोसाइट्स आर लाइक WBC विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके ये जर्म्स को किल करेगा. जो भी जर्म्स हैं जो बॉडी के लिए अनवांटेड फॉरेन मटेरियल्स हैं, दोज आर किल्ड बाय द प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज बाय द लिम्फोसाइट्स. सो इस तरह से पूरी चीजें, पूरे बॉडी में सारी चीजें फाइनली हार्ट तक पहुंच जाती हैं, जिसकी की जरूरत बॉडी को नहीं है, या फिर नीड्स टू रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लिम्फैटिक सिस्टम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इम्यूनिटी. सिर्फ WBC ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये लिम्फैटिक सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे हमारा लिम्फोसाइट है, जस्ट लाइक द ल्यूकोसाइट इट वर्क्स. नाउ हेयर इज द ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीटेड. अब इसके बाद हमारा, हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. बाय बाय.